नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पेरिस हमलों का संदिग्ध मोहम्मद अब्रीनी गिरफ्तार। ब्रसल्स के अंदर जिले में छिपा था मोहम्मद अब्रीनी। बेल्जियम टीवी ने की खबर की पुष्टि। तस्करी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। नेपाल पुलिस ने बरामद किए 1 करोड़ के जाली भारतीय नोट। एक पाकिस्तानी समेत 6 गिरफ्तार। पाक और चीन पर नजर रखने के लिए भारत अमेरिका से खरीदेगा 40 प्रीडेटर ड्रोन। सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए होंगे काफी अहम। 10 अप्रैल को भारत आएंगे अमेरिका के रक्षा सचिव। अमेरिका में फर्जी यूनिवर्सिटी के स्टिंग ऑपरेशन से वीजा घोटाले का हुआ पर्दाफाश। पढ़ाई के लिए 306 छात्रों को जबरन भेजा जाएगा स्वदेश। 2013 में हुई थी फर्जी यूनिवर्सिटी की स्थापना। सना न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईएसआईएस ने सीरियन फैक्ट्री पर किया था हमला। 300 लोगों का किया अपहरण। 175 को मौत की नींद सुलाया। बंधकों को बसों में बिठाकर ले गए थे आतंकी। गरीबी के नए मानकों की रिपोर्ट का खुलासा। पाकिस्तान की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे। 30% बढ़ा गरीबों का अनुपात। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून का दावा, आतंक से पीड़ित लोगों में अधिकतर संख्या मुस्लिम्स की। पिछले महीने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक साझेदारी पर दिया था जोर। उत्तर कोरिया ने किया ICBM के नए इंजन का सफल परीक्षण। अमेरिका सहित दुनिया के सभी देश इन मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में। अमेरिका ने जताई चिंता। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।